गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में उनको लेकर के आए हैं, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। एक बार जरा मैं कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, तो हायर प्लांट से हमारा क्या लेना देना है? इट इज मेनली एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइटा ये सब छोड़ रहे हैं। दूसरा, ये व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए आपको पहले सिंथेसिस समझनी चाहिए। सिंथेसिस में होता क्या है कि हम एक तरफ लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ध्यान से देखिएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ले करके यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक फूड क्रिएट कर देते हैं। ऑर्गेनिक फूड इसका फॉर्मेशन है। सिंपल सी कहानी है कि अगर हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड बना दे, देन इट इज नोन एज सिंथेसिस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये मिल करके C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फूड की तरह बिहेव करता है। पहला पॉइंट है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जुड़ना इतना आसान होता है, इतनी आसानी से जुड़ जाते, तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं है और वाटर की भी कमी नहीं, तो इन दोनों को जोड़ करके खूब ग्लूकोज की बारिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए वी नीड सम एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एनर्जी का सोर्स अगर बेटा सनलाइट है, याद रखिएगा सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस, सर सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है। सनलाइट इज नथिंग बट फोटो, सनलाइट को हम लोग फोटो के नाम से जानेंगे। तो ये हो रही थी सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये सनलाइट को पकड़ने के लिए वी नीड क्लोरोफिल। सनलाइट को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ पिगमेंट होने चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे विल मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लिबरेट होगी। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इस एनर्जी के सोर्स में क्या ट्यूब लाइट या कोई दूसरी विजिबल लाइट की जरूरत, बेटा क्या का काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में वो विब ग्योर को बिलोंग करता है, आप लोग जानते हो विब ग्योर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर इस स्पेक्ट्रम का बेटा कोई लाइट आप डालते हो, तो वो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस की वजह से ये फोटो हो गया, लाइट की प्रेजेंस में एक सिंथेसिस होगी फूड की, एंड दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आप देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी बुक का टॉपिक है व्हाट डू वी नो, ये कोई टॉपिक का नाम है, व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या मालूम है और क्या मालूम होना चाहिए? तो याद रखना, हमें मालूम होना चाहिए कि देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर वन इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू इज नोन एज वाटर, नंबर थ्री इज सनलाइट, एंड नंबर फोर इज क्लोरोफिल। अगर ये चार चीजें मिल जाएं, ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज रिक्वायरमेंट, तो हमें ग्लूकोज बनाने में आसानी होगी और ये फूड बन जाएगा। तो पहला पेज व्हाट डू वी नो में वो बताते हैं कि क्या क्या हमें जरूरी है, किन किन चीजों की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही। तो आपको मालूम हो गया क्या क्या जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस प्रोसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ फोटो। व्हाट इज फोटो? इट इज नोन एज सनलाइट। सो व्हाट डू वी नो, क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है, आप जरा ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हमें रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल, इसके अलावा हमारे पास रिक्वायरमेंट है यस क्लोरोफिल, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा हमें रिक्वायरमेंट है वाटर की। वाकई में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इसके लिए एनसीईआरटी कुछ एक्सपेरिमेंट करती है। याद रखना, एनसीईआरटी में अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ लिखा है, उनके पहले
व्हाट डू वी नो लिखा हुआ है और व्हाट डू वी नो में ये एक्सपेरिमेंट लिखे गए हैं। तो सबसे पहले पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज नोन एज वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, याद रखना वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। जल्दी जल्दी मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। वैरीगेटेड लीफ वो लीफ होती है जिसमें ग्रीन के साथ नॉन ग्रीन पैच भी होते हैं, यानी बाकी पार्ट तो ग्रीन होता है लेकिन बीच बीच में नॉन ग्रीन पैचेस भी होते हैं। ऐसी वैरीगेटेड लीफ में सारी चीजें दी गई, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दी गई, सनलाइट दी गई, वाटर दिया गया। तो फोटोसिंथेसिस वहां हुई जहां पर ग्रीन कलर था, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई जहां पर वेरिगेशन था। तो वेरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल। वेरिगेटेड लीफ क्लोरोफिल इसेंशियल होता है, ये बात कौन प्रूव करता है? इट इज नोन एज वेरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लीफ को हाफ कवर कर देते हैं, हाफ कवर्ड लीफ। जरा इसे समझने की कोशिश करिए, हम एक वेल फॉर्म पूरी तरीके की अच्छी लीफ लेते हैं, फुल लीफ लेते हैं जिसमें कहीं पर कोई वेरिगेशन नहीं है, देयर इज अ नो वेरिगेशन इन लीफ, लीफ में कहीं पर कोई वेरिगेशन नहीं है, फुल लीफ लेते हैं। इस लीफ को हम लोग आधी लीफ को ब्लैक पेपर के काले कपड़े के साथ ढक देते हैं, और जब ब्लैक पेपर के साथ हम लोग इसे ढक देते हैं और इसमें सनलाइट डालते हैं, तो सनलाइट जहां पर पड़ रही होती है वहां पर तो ग्लूकोज बन जाता है, यहां पर ग्लूकोज बन जाता है, और जहां पर सनलाइट बेटा काले कपड़े की वजह से नहीं पड़ रही होती वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो हाफ कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट सेज दैट सनलाइट इज एसेंशियल, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक वेरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हो गया जिसने बताया क्लोरोफिल एसेंशियल, दूसरा है हाफ कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रूफ हो गया कि भाई सनलाइट भी एसेंशियल है। तीसरा एक्सपेरिमेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हाफ कवर्ड लीफ से अलग है, यहां पर पूरी की पूरी लीफ को आधे कपड़े काले कपड़े से कवर किया गया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हाफ कवर्ड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, लीफ को आधा डुबो देते हैं KOH सॉल्यूशन में, KOH सॉल्यूशन, और बाकी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं इसको। अब हम इसको क्या पढ़ा प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल तो इसमें है ही पहले से, और वाटर हम लोग इसको पहले से प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा साथ में प्रोवाइड करते हैं हम CO2। याद रखना ये CO2 KOH सॉल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो जो पत्ती का पार्ट KOH सॉल्यूशन के अंदर है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जो पत्ती का पार्ट KOH सॉल्यूशन के बाहर है उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये पहला पेज है जो आपकी NCERT में दिया गया है, ऐसे हेडिंग वाइज तो नहीं दिया गया एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट समझने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो व्हाट डू वी नो, जल्दी जल्दी बोलिए, हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट है, CO2 क्लोरोफिल सनलाइट वाटर। इन चारों चीजों की जरूरत होने के बाद हम लोगों ने, इनके चारों चीजों की जरूरत है कि नहीं है इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कराया। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में ग्रीन और नॉन ग्रीन दो पैचेस थे, इसके अलावा हम लोगों ने हाफ कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कराया। हाफ कवर्ड लीफ में हमने आधी लीफ को कवर कर रखा हुआ है ब्लैक पेपर से और बाकी लीफ को छोड़ा हुआ है, जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पहुंचेगी। और तीसरा एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और इस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने डाला है KOH सॉल्यूशन के अंदर लीफ को हमने KOH सॉल्यूशन के अंदर डुबो करके रखा हुआ है। अगर हमने देखा KOH सॉल्यूशन में जितनी भी बेटा लीफ डुबोई हुई है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही क्योंकि CO2 KOH सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसके बाद कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट में कुछ साइंटिस्ट हैं और इससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस अलाउड भी नहीं है और हमारे पास समय भी नहीं। मैं साइंटिस्ट के नाम लिख देता हूँ, पहला नाम है जोसेफ प्रिस्टले का, आप लोग याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टले, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। और याद रखना ये ऑक्सीजन की डिस्कवरी तब की जब उन्होंने कहा कि पौधे यानी प्लांट जो होते हैं दे प्यूरीफाई द एयर, और एयर को प्यूरीफाई करने के लिए गैस का नाम लिया
एंड दैट गैस वॉज नोन एज यस इट वॉज नोन एज ऑक्सीजन और इसकी डिस्कवरी 1774 में हुई। इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जो कैंडल लेकर के और जार लेकर के करते थे, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बस आपको नाम बताता हूँ जोसेफ प्रिस्ले। ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774, इन्होंने प्रूव किया कि प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर को। दूसरे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है इंजन हाउस। इंजन हाउस ने जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन ये दोहराया इन्होंने रात में, और जब रात में दोहराया तो प्लांट ने प्यूरिफाई किया एयर। इन्होंने कहा यस जोसेफ प्रिस्ले जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। तो इंजन हाउस ने कहा कि प्लांट प्यूरिफाई द एयर बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहली बार सनलाइट के बारे में आइडिया दिया इंजन हाउस ने। यहां तक कि इन्होंने हाइड्रोफिटिक प्लांट में, याद रखिएगा हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की, और हाइड्रोफिटिक प्लांट में फोटोसिंथेसिस करके इन्होंने ऑक्सीजन के बबल भी देखे, ऑक्सीजन के बबल वाटर के अंदर देखे। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी जोसेफ प्रिस्ले ने, लेकिन ऑक्सीजन के बबल्स को पहली बार देखा इंजन हाउस ने, ये आप ना भूलें। इसके बाद ये तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जूलियस वॉन सैक। इनका हमने पहले भी नाम लिया था हाइड्रोपोनिक में। जूलियस वॉन सैक कहते हैं कि ठीक है भाई, जो आप लोग कह रहे हो सही है, लेकिन याद रखना अगर आपने पौधों में प्लांट में सनलाइट डाली तो ये सनलाइट कहीं पर भी पौधे में पड़कर के ऑक्सीजन नहीं देती। प्लांट का पार्ट ग्रीन होना चाहिए, उन्होंने बोला प्लांट का पार्ट ग्रीन होना चाहिए। जूलियस वॉन सैक ने कहा कि वहां पर ग्रीन पार्ट होना चाहिए, और जब ग्रीन पार्ट में पड़ेंगे तो उन्होंने कहा वहां पर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन तो निकालते ही है साथ में स्टार्च का फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। और बोला प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर, लेकिन कोई भी प्लांट प्यूरिफाई एयर नहीं कर देगा, प्लांट में पार्ट होना चाहिए ग्रीन, और उन्होंने उस ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट का नाम लिया और बताया वहां पर जब ऑक्सीजन निकल रही होती है उसी समय स्टार्च भी बन रहा होता है। तीन साइंटिस्ट के बाद चौथे साइंटिस्ट आते हैं, यस इनका नाम है एंगेलमैन, टीडब्ल्यू एंगेलमैन, आप इनकी स्पेलिंग देख लीजिएगा एंगेलमैन। इन्होंने पहले बार सनलाइट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पर फोटोसिंथेसिस को बताने की कोशिश की, और इन्होंने दो स्पेक्ट्रम बताए। पहला स्पेक्ट्रम जो इन्होंने बताया इट वॉज नोन एज एक्सन स्पेक्ट्रम, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और किस सनलाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो टीडब्ल्यू एंगेलमैन, ये चार साइंटिस्ट हो गए, जल्दी जल्दी आप लोग देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पहले साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्ले जिसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, मैं हटाता जा रहा हूँ 1774 में। दूसरे साइंटिस्ट है इंजन हाउस जिन्होंने जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को दोहराया लेकिन इन प्रेजेंस इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट की प्रेजेंस अब्सेंस में बेटा दोहराया तो फिर प्रोसेस नहीं हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि सनलाइट की बहुत जरूरत है, और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन के बबल्स देखे। तीसरे नंबर पे आते हैं जूलियस वॉन सैक, इन्होंने कहा कि पौधे में यस सनलाइट डालोगे तो ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन पौधे का वो पार्ट ग्रीन होना चाहिए, और उस ग्रीन पार्ट में एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट होते हैं जहां पर स्टार्च का सिंथेसिस होती है। इसके बाद टी डब्ल्यू एंगेलमैन आते हैं, उन्होंने कहा कि सनलाइट में तो बहुत सारे पोर्शन हैं, कुछ पोर्शन है जो विजिबल हैं, कुछ है इनविजिबल। तो इन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी की बेसिस पर दो स्पेक्ट्रम बताए, एक एक्शन स्पेक्ट्रम दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिलहाल ये चार साइंटिस्ट के बाद पांचवें साइंटिस्ट के बारे में आपकी बुक नहीं बोलती, बल्कि बोलते हैं मिड 19th सेंचुरी तक आते आते, ये बहुत बढ़िया काम है। मिड 19th सेंचुरी तक आते आते एक बड़ा डिस्कवरी हुई। एक्चुअली इस डिस्कवरी के दौरान इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखी गई, पहली बार फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी गई, और बोला गया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के एन मॉलिक्यूल जब एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH2O होल एन बनता है, जिसे हम लोग CnH2nOn भी लिख सकते हैं, साथ में एन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलते हैं।
इस एन की जगह पर वहां पर लोगों ने सिक्स रख के दिखाया और बोला एन की जगह अगर सिक्स रखोगे तो सिक्स CO2 प्लस सिक्स वाटर मॉलिक्यूल इट विल फॉर्म CH2O का होल सिक्स दैट इज C6H12O6 विल मेक द सिक्स मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक अजीब बात उस समय पर देखी गई मिड 19th सेंचुरी पे कि जितना वॉल्यूम, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन वॉल्यूम को डायरेक्ट रिलेट करता है, यानी जितने मोल CO2 के यूज हो रहे थे उतने मोल ऑक्सीजन के निकल रहे थे। और यहीं पर एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन, याद रखना ये गलती है, लोगों का मानना था कि जितने मोल, जितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा उतना ही लीटर ऑक्सीजन निकल रहा, तो लोगों ने गलत बात कह दी। मैं बार बार बोल दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, एक रॉन्ग बात बोल दी, बोला गया दैट ऑक्सीजन कम फ्रॉम CO2, जो कि एक वाहियात बात थी, गलत बात थी। लेकिन फिर भी मिड 19th सेंचुरी के बाद से इस एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ी तालियां बजी और लोग बड़े खुश हुए कि यार पहली बार किसी ने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी। तो आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, 6CO2, 6H2O, C6H12O6 और 6CO2। इस इक्वेशन को, पांचवे पॉइंट के बाद, इस इक्वेशन को पहली बार गलत साबित किया एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था वॉन नील। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, वॉन नील नाम के एक साइंटिस्ट थे और वॉन नील बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया पे फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। और जब वो बैक्टीरिया पर फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्होंने देखा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड H2S के साथ रिएक्शन करके 6CO2 6H2S C6H12O6 बना रहा है, लेकिन वहां पर सल्फर निकल रही है। अब देखिए, लोगों ने कहा था कि जितनी मोल कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज करते हो उतनी मोल ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज की गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं निकली, सल्फर निकली। और इस तरीके की फोटोसिंथेसिस को एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस माना गया। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन यूज ना हो उसे बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तब इन्होंने बोला कि भैया जो हम लोगों को बताया गया है कि ऑक्सीजन CO2 से आती है वो गलत है। इन्होंने जनरलाइजेशन दिया कि एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान समझिएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसका होता है रिडक्शन, साथ में जो भी यूज हो रहा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ए, ए का मतलब अगर सल्फर लो तो सल्फर, ऑक्सीजन लो तो ऑक्सीजन, इसका होता है ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और इसका होता है ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये केमिस्ट्री में बहुत नॉर्मल बात है, आप लोग जानते होंगे। और बोलते हैं जब ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर के वो बना देगा C6H12O6, और रिड्यूसिंग एजेंट में, याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन के साथ जो भी होगा वही निकलेगा, वही निकलेगा। मतलब अगर यहां पर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, अगर यहां पर सल्फर होगा तो सल्फर से निकलेगा। इसका मतलब ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास साथ H2O होता और C6H12O6 बनता तो जो ऑक्सीजन आती वो CO2 से ना आकर के वाटर से आती। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि एक्चुअली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है बल्कि वाटर जैसी जगह से आ रही है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो भी हाइड्रोजन के साथ है वही बेटा वहां पर निकलेगा। अगर यहां पर एनीथिंग है तो एनीथिंग निकलेगा, सल्फर है तो सल्फर निकलेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन निकलेगा। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आए, लोगों ने इनकी बात को ध्यान से नहीं माना। तो याद रखना, वॉन नील के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनके साइंटिस्ट के जोड़े का नाम है रूबेन एंड कैमेन। ऑल्दो रूबेन एंड कैमेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, पहली बार इन्होंने ऑक्सीजन ली कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर की ऑक्सीजन नॉर्मल ले ली, C6H12O6 बना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
साथ में यहां पर ऑक्सीजन निकली, लेकिन जो ऑक्सीजन निकली वो नॉर्मल थी। इससे प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन नॉर्मल वाली निकली। इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया, अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन नॉर्मल ले ली और वाटर की ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले ली, फिर से वही प्रोसेस हुआ, C6H12O6 बना, साथ में जो ऑक्सीजन निकली वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन निकली। अब देखिए रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाटर के पास है और यहाँ CO2 के पास रेडियो एक्टिव है, अगर यहाँ से आती तो ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव होती नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भैया वाटर से ही बेटा ऑक्सीजन आती है। रूबन केमेन के बाद फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशंस थी वो दोबारा लिखी गई और दोबारा लिख करके फोटोसिंथेसिस की मॉडर्न इक्वेशन लिखी गई। और जो मॉडर्न इक्वेशन लिखी गई वो क्या है वो आप लोग देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस की जो मॉडर्न इक्वेशन है वो है 12H2O, ये याद रखने वाली बात है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट विल मेक C6H6 + 6H2O + 6 mole ऑफ ऑक्सीजन। ये इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है और आपको इसी को सही इक्वेशन मानना चाहिए। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं एक बार और देख रहा हूं। इट इज 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल फॉर्म C6H12O6 + 6 mole ऑफ वाटर प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी लिबरेटेड इन दिस टोटल प्रोसेस। और इस तरीके से मॉडर्न इक्वेशन लिख दी गई। खैर अगर आप लोग साइंटिस्ट के नाम नहीं भूले हैं तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करके कॉर्नर में लिखिए। यस, जोसेफ प्रिस्टले, ये पहले साइंटिस्ट हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। दूसरे हैं इंजन हाउस जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तीसरे हैं जूलियस वॉन सैक, अगर आप देख सकें। चौथे हैं एंगल मैन, जिन्होंने बेटा आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद वॉन नील है जिनका नाम लिखा गया है। इसके अलावा रूबेन केमेन है। अगर आप इतने लोगों के नाम याद रखते हैं तो आप एनसीईआरटी में लिखे गए जितने भी साइंटिस्ट हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट के, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हेडिंग फोटोसिंथेसिस अकर, इसको जानने के लिए आपको सेल के अंदर जाना पड़ेगा और एक सेल ऑर्गेनल का नाम देना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो साइटोलॉजी में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी मैंने साइटोलॉजी पढ़ाई नहीं तो आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में ध्यान से देखिए। क्लोरोप्लास्ट में आपने एक स्ट्रक्चर देखा है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। याद रखना क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट हैव द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज OM और इनर मेम्ब्रेन दैट इज इनर मेम्ब्रेन ही मैं लिख देता हूं। याद रखना आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अलावा इनकी एक कैविटी है जिसमें बेटा बहुत सारी प्रोटीनस मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है स्ट्रोमा। तो आपको याद रखना आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के अलावा यहां पर स्ट्रोमा है। इसके अलावा इन स्ट्रोमा में बेटा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम है थैलाकॉइड, याद रखिएगा इट इज नोन एज थैलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड के ग्रुप का नाम है ग्रेना, याद रखिए इट इज नोन एज ग्रेना। और ऐसे बहुत सारे ग्रेना हैं यहां पर पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में, बहुत सारे ग्रेना। ये भी एक ग्रेना था और दो ग्रेना को जोड़ने वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है एंड दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली। तो ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इट इज स्ट्रोमा लैमेली एंड दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेन पार्ट हैं, एक का नाम है ग्रेना और दूसरे का नाम है स्ट्रोमा। जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इट इज ग्रेना और जो लिक्विड पार्ट है, कैविटी में कोई एयर नहीं भरी हुई है यहां पर, लिक्विड पार्ट है ये वाला पार्ट है, मैट्रिक्स पार्ट है या जिसे आप लोग बोल सकते हो मैट्रिक्स पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। अब ध्यान सुनिए, ये जो ग्रेना और स्ट्रोमा है इनमें दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है।
पहली बात तो याद रखना है आपको, हमारे पास सनलाइट एनर्जी सोर्स है और सनलाइट को हमें यहां पर यूज करना है। सनलाइट को यूज करके हमें C6H12O6 बनाना है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, सनलाइट नो डाउट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये कोशिका के बाहर अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। मान लीजिए ये सेल है, कोशिका के बाहर सोर्स ऑफ एनर्जी जरूर हो सकता है, लेकिन सेल के अंदर, लेट सपोज इट इज अ सेल, सेल के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब केवल एटीपी होता है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, याद रखिए, इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो अब आपको ये याद रखना है, एटीपी है यही एक्चुअली एनर्जी है। तो तुम भले ही सनलाइट नाम की कितनी भी एनर्जी दे दो, लेकिन इस सनलाइट को इट हैज टू कन्वर्ट इनटू एटीपी, इसको एटीपी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सनलाइट को एटीपी में नहीं कन्वर्ट किया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो याद रखना, एक रिएक्शन ऐसी होगी जो सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट करेगी, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज लाइट रिएक्शन। इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट कर रही है। और दूसरी रिएक्शन वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देगी, जिसमें सनलाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल हो सकता है, बट दैट रिएक्शन इज नोन एज डार्क रिएक्शन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज नोन एज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब चूंकि लाइट रिएक्शन के लिए जरूरत है सनलाइट को पकड़ना की, और सनलाइट को पकड़ने के लिए चाहिए पिगमेंट, और पिगमेंट होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ग्रुप का नाम है ग्रेना, इसलिए लाइट रिएक्शन हमेशा होती है ग्रेना में, याद रखिए। और जो डार्क रिएक्शन होती है इसमें एंजाइम की जरूरत है, और एंजाइम इस मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। तो दो प्रकार के रिएक्शन है, वन इज नोन एज लाइट रिएक्शन, अदर वन इज नोन एज डार्क रिएक्शन। अगर आपको कभी भी दिक्कत आने लगे तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में हमें कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बना देना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने के लिए वी नीड एनर्जी। बोले भैया एनर्जी दो, एनर्जी दो, तो बोले लो सनलाइट। बोले सनलाइट तुम्हारी दुनिया में एनर्जी होगा, हमारी दुनिया का नाम है सेल, हमारी दुनिया में एनर्जी का मतलब है एटीपी। तो बोले हमारी दुनिया में तो सनलाइट एनर्जी है, तुम ये लो एनर्जी। तो उन्होंने उस एनर्जी को अपनी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है एटीपी में। तो सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन। और एक बार एटीपी बन गई तो इन एटीपी का यूज करके, याद रखना, इन एटीपी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से हमें ग्लूकोज बनवा लेना है, लेकिन ये रिएक्शन कहलाएगी डार्क रिएक्शन। ऑल दो डार्क रिएक्शन में भी लाइट की जरूरत है, लेकिन इनडायरेक्टली फिर भी साइंटिस्ट ने दो प्रकार की रिएक्शन बताई, एक नाइलाइट रिएक्शन जो कि ग्रेना में होती है, और एक डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होती है। तो चलिए अब लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पहले हमारे स्टेप में देखिए, दिमाग लगा के रखिएगा, पहले हमारे लिए लाइट रिएक्शन पढ़ना जरूरी है कि लाइट रिएक्शन क्या हो रही है और कैसे हो रही है। तो पहले तो आप लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया एक बार और रुक करके सोचें। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सनलाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके एटीपी और एनएडीपीएच बना देंगी। ये कॉन्सेप्ट है, आप सनलाइट डालिए और हमको वो एटीपी और एनएडीपीएच बना दें। पर इस सनलाइट को पकड़ने के लिए वी नीड पिगमेंट्स। तो यहां पर पॉइंट आता है पिगमेंट्स, दीज आर द मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं विच ट्रैप स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, और इन स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये पिगमेंट फिर एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करते हैं। सो भाइयों बहनों, जहां पर ये पिगमेंट होंगे वहीं लाइट रिएक्शन होगी, एंड द पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकोइड के ग्रुप का नाम है ग्रेना। सो आप अपने आप सीख जाए, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होनी है और कहीं नहीं होनी। लाइट रिएक्शन विल हैपन इन ग्रेना,
नॉट अदर देन ग्रेना. ग्रेना के अलावा और कहीं नहीं होगी, केवल और केवल ग्रेना में होगी, याद रहेगा. अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी पिगमेंट्स, ये कितने प्रकार के पिगमेंट्स हैं जो हमें देखने हैं, यही हमारा टॉपिक है. याद रखना, अगर मैं यहां पर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा होता, उसमें हायर प्लांट इन्वॉल्व ना होते, एल्गी इन्वॉल्व होती, तो हम सारे प्रकार के क्लोरोफिल ए बी सी डी सब पढ़ते. पर चूंकि ये फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट की है, और इन हायर प्लांट में ये जो बेटा क्लोरोफिल है, पिगमेंट है, ये पाए जाते हैं लीफ में. और आपको मालूम है लीफ होती है, लीफ जो होती है ये ग्रीन कलर्ड होती है, आप सबको मालूम है दीज आर ग्रीन कलर्ड. और ये जो ग्रीन कलर्ड लीफ है बेटा, याद रखें, इन ग्रीन कलर लीफ फोटोग्राफ इन लीफ का हमने बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट किया. पिगमेंट निकालने के इस प्रोसेस का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी. याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि पत्तियों से पिगमेंट बाहर करने के टेक्निक का नाम क्या है, इट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में भी एक स्पेशल क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी. और इस पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी के बाद हमें मेनली चार पिगमेंट मिले हैं जो हम लोग हायर प्लांट में आजकल पढ़ रहे हैं. पहला तो हमें मिला है क्लोरोफिल ए, याद रहेगा. दूसरा मिला हुआ है क्लोरोफिल बी, तीसरा मिला है जैंथोफिल, और चौथा मिला है कैरोटीनॉइड. रखिएगा, देयर आर फोर टाइप ऑफ पिगमेंट जो जिनको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, बाहर निकाला है पत्तियों से. ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरो जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड. क्लोरोफिल ए इज डार्क ग्रीन, कई बार ब्लू ग्रीन भी बोलते हैं. क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, जैंथोफिल इज येलो, और कैरोटीनॉइड इट इज येलो टू येलो ऑरेंज. ये पिगमेंट के कलर है. तो हाउ मैनी पिगमेंट में आपको चार पिगमेंट पता लगाने, जल्दी जल्दी बोलो. लाइट रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो हो रही है इसके लिए पिगमेंट चाहिए. पिगमेंट वो मॉलिक्यूल है जो स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे. ये जो प्रेजेंट होते हैं ये थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं. थैलाकॉइड के ग्रुप का नाम ग्रेना है. पर जब इनको हम लोगों ने पत्तियों से निकाला, पत्तियों से निकालते वक्त इन पिगमेंट की हमने जो निकालने के प्रोसेस किए इसका नाम किया क्रोमेटोग्राफी. और क्रोमेटोग्राफी में चार पिगमेंट हमें दिखाई पड़े, और वो चारों पिगमेंट मैंने अभी अभी लिखे थे. अगर आप मेरे लिए एक बार और लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. नंबर वन इज नोन एज क्लोरोफिल ए, थैंक यू वेरी गुड. नंबर टू इज नोन एज क्लोरोफिल बी. नंबर थ्री इज नोन एज जैंथोफिल. नंबर फोर इज नोन एज कैरोटीनॉइड्स. अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक बात बताऊंगा, बाई कंपेयरिंग, क्योंकि एक ना एक दिन ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए याद रखना. बाई कंपेयरिंग एक्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्सपेक्ट एंगलमैन ने बताया था, विथ रेस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट. जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट पिगमेंट का है. एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके हम लोगों ने ये पता लगाया है. ये पता लगाया है, क्या पता लगाया है, वी नो, हमें ये पता चला है कि दैट क्लोरोफिल ए इज नोन एज मेन पिगमेंट. जो हमारा क्लोरोफिल ए है ये एक मेन पिगमेंट है. क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, दे आर नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स. ये हमारे लिए एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट एंड अदर पिगमेंट आर एसेसरी पिगमेंट, याद रहेगा. सो अब याद रखना कि ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये जो पिगमेंट है ये एवें कोई स्कैटर्ड कंडीशन में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं कि स्पेशल सिस्टम में, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज पिगमेंट सिस्टम. और ये पिगमेंट सिस्टम समटाइम आल्सो नोन एज फोटो सिस्टम.
कभी कभी ये पिगमेंट सिस्टम जो है वो फोटो सिस्टम कहलाता है, याद रहेगा आपको। चलिए, पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम पढ़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें बुक को फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर गड़बड़ हुआ, देखिए ध्यान से। नंबर वन, यहाँ पर पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। याद रखना क्लोरोफिल ए इज अ मेन पिगमेंट और बाकी सारे पिगमेंट एक्सेसरी पिगमेंट है। ये हमने कैसे जाना, बाय कंपेयरिंग एक्शन स्पेक्ट्रम टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आपस में कंपेयर करके हमने ये जान लिया कि इनमें से मेन है ए, क्लोरोफिल ए, बाकी सब एक्सेसरी पिगमेंट है। अब ये पिगमेंट कोई स्कैटर्ड कंडीशन में नहीं रहते बल्कि ये रहते। एंड हाउ फोटो सिस्टम हैपन, फोटो सिस्टम कैसे होता है, याद रखना। बोलते हैं किसी भी फोटो सिस्टम की पिक्यूलियर अरेंजमेंट क्या है। पिक्यूलियर अरेंजमेंट ये है कि उस फोटो सिस्टम के बीचों बीच में रिएक्शन सेंटर नाम का एक छोटा सा सेंटर होता है, याद रखिएगा, रिएक्शन सेंटर। इसके अलावा उसके पेरीफेरी में पिगमेंट सिस्टम होता है, और भी पिगमेंट सिस्टम होता है। ओके, अब याद रखना जो रिएक्शन सेंटर है ये हमेशा क्लोरोफिल ए का बना होता है, ऑलवेज बाय क्लोरोफिल ए। और बेटा जो बाहर का जो सिस्टम है, बाहर का जो सिस्टम है, इट इज नोन एज एंटीना। एंड एंटीना इज मेड अप ऑफ एसेसरी पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। सो मैं कह सकता हूं कि किसी भी फोटो सिस्टम की जो बेटा अरेंजमेंट होगा उसके बीचों बीच रिएक्शन सेंटर होगा जो कि हमेशा क्लोरोफिल ए का होगा, और पेरीफेरी में जो प्रेजेंट होगा वो होगा एंटीना जो कि एसेसरी पिगमेंट का बना होगा। मे बी यहां पर होंगे जैंथोफिल, वेरी गुड, यहां पर होंगे कैरोटीनॉइड और यहां पर होंगे क्लोरोफिल बी। अगर आप समझ लेते हैं कि किसी भी फोटो सिस्टम में, फोटो सिस्टम के अरेंजमेंट में सबसे सेंटर में होगा रिएक्शन सेंटर, तो अब आपको आगे पता चलेगा कि फोटो सिस्टम इसी अरेंजमेंट के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। पहला फोटो सिस्टम है, इट इज नोन एज फोटो सिस्टम वन, एंड द सेकेंड फोटो सिस्टम इज नोन एज फोटो सिस्टम टू। चाहे फोटो सिस्टम वन हो चाहे फोटो सिस्टम टू हो, बेसिक अरेंजमेंट यही होगा जो मैंने बोला, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए, बाकी पेरीफेरी में एंटीना। याद रखिएगा जो फोटो सिस्टम वन है उसका जब रिएक्शन सेंटर देखने जाते हैं तो वहां पर क्लोरोफिल ए का 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करने वाला, यानी 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। And that's why it is known as P700. P700 का मतलब हो गया पिगमेंट 700, और इसके बाहर बेटा एसेसरी पिगमेंट होते हैं। दीज एसेसरी पिगमेंट समहाउ ऑल्सो नोन एज एंटीना। मैंने पहले ही बोला था यहां पर एंटीना होगा और इस पूरे सिस्टम को LHC बोलेंगे। What is LHC? It is known as light harvesting complex. तो मैं फुल फॉर्म LHC का यहां लिख दे रहा हूं, इट इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा फोटो सिस्टम वन में इट इज नोन एज LHC1, फोटो सिस्टम वन में LHC1 है। LHC1 को हम लोगों ने यहां एंटीना माना है और यहां पर बेटा तुमने रिएक्शन सेंटर माना है, रिएक्शन सेंटर माना है। और ये जो रिएक्शन सेंटर वन है, एक रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, वो भी P700। अब फोटो सिस्टम टू में डिफरेंस क्या है, फोटो सिस्टम टू भी फोटो सिस्टम वन जैसा है, यहां पर भी क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है लेकिन वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज नोन एज P680। और इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट है जिनको हम लोगों ने LHC या फिर एंटीना माना हुआ है। अच्छा, कुछ बुक्स इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही LHC मानती हैं, यानी अलोंग विद रिएक्शन सेंटर एंटीना इज आल्सो कंसीडर्ड LHC। लेकिन NCERT में कुछ लाइन है जिसमें बताया जाता है LHC एंड एंटीना दे आर द सेम थिंग, वेयर दैट दिस इज नोन एज रिएक्शन सेंटर।
अब इसके LHC को हम लोग LHC2 मानेंगे, इसके LHC को हम लोग LHC1 मानेंगे। मैं फिर से बता दूं, कुछ बुक्स हैं जो पूरे फोटो सिस्टम को ही LHC मानती हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 इज LHC1, फोटो सिस्टम 2 इज LHC2। व्हाट इज LHC2? इट इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। अच्छा ठीक है, कुछ भी हो, PS1 और PS2 में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज PS1 एंड PS2, तो पहली बात, इन दोनों के रिएक्शन सेंटर में अंतर है। एक के रिएक्शन सेंटर में पिगमेंट 700 है, दूसरे के रिएक्शन सेंटर में पिगमेंट 680 है। बाकी एंटीना में डिफरेंस होगा दोनों जगह पर। इस तरीके से जो पिगमेंट थे, चार पिगमेंट थे अगर आप भूले नहीं, नंबर 1 था क्लोरोफिल ए, नंबर 2 था क्लोरोफिल बी, नंबर 3 था ज़ैंथोफिल और नंबर 4 था कैरोटिनॉइड। ये चारों जो पिगमेंट्स हैं ये नॉर्मली नहीं बल्कि फोटोसिस्टम की तरह रहते हैं। मैंने पहले बोला था, पहले आप फोटोसिस्टम का आइडिया ले लीजिए, फिर फोटोसिस्टम 1 और 2 भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग इट लाइट रिएक्शन को और आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है रिएक्शन सेंटर का। चलिए, इतना पढ़ लेने के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे ही पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट है। मैं पहले से बता दूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड विद द लाइट रिएक्शन। तो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं फोटोसिंथेसिस की दो बेसिक टॉपिक में से पढ़ा रहा हूं। पहला बेसिक टॉपिक था लाइट रिएक्शन और दूसरा बेसिक टॉपिक है डार्क रिएक्शन। तो फिलहाल मैं अभी लाइट रिएक्शन में एंट्री कर चुका हूं और मैं लाइट रिएक्शन ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए हम लोग लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास PS2। अगर आपको PS2 याद है तो अभी मैंने बताया था PS2 में जो रिएक्शन सेंटर होता है इट इज P680 और बाकी इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीना। इस PS2 में पड़ती है सनलाइट, पहले से पढ़ा दूं, इसमें पड़ती है सनलाइट। सनलाइट के फोटॉन है और कुछ कुछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मेटल में होता है, तो यहां मेटल है नहीं। कुछ कुछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा जब यहां पर फोटोन पड़े तो उन फोटोन की एनर्जी को एंटीना पकड़ता है। ये रहा एंटीना, और एंटीना वो रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल तक पहुंचाता है। रिएक्शन सेंटर पे कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए का 680 मॉलिक्यूल, और ये 680 मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करा देता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मूव कराता है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है और यहां पर उसे पकड़ते हैं PA, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्सेप्टर। याद रखिएगा, दीज आर नोन एज प्राइमरी एक्सेप्टर। एनसीईआरटी ने इन प्राइमरी एक्सेप्टर के नाम क्लियर नहीं किए, ज्यादा टाइम में लगाऊंगा नहीं इन प्राइमरी एक्सेप्टर के नाम को बताने के लिए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूव करना फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, इट इज नोन एज अपहिल मूवमेंट। जैसे ही प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन ETS को दिया जाता है। ETS, व्हाट इज ETS? इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बना होता है साइटोक्रोम का। आप भूलिएगा मत, इसमें ज्यादातर समय पर साइटोक्रोम होते हैं। दो साइटोक्रोम के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइटोक्रोम B6 और दूसरा F। जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन ETS की तरफ जाता है, ये अपनी एनर्जी को लूज करने लगता है और इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट। तो पहला मूवमेंट अपहिल, दूसरा डाउनहिल मूवमेंट। डाउनहिल मूवमेंट होते वक्त ये पहुंचता है PS1 में। अब आप PS1 में समझ चुके होंगे P700 नाम का मॉलिक्यूल था। PS1 में भी पड़ती है सनलाइट, मेरे पास सनलाइट डालने का केवल यही जगह है सनलाइट, और PS1 से भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्राइमरी एक्सेप्टर पे। ये गया प्राइमरी एक्सेप्टर पे। वो जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर पे गया है उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाता है। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन PS2 से चला प्राइमरी एक्सेप्टर पे गया, ETS पे गया,
ETS से PS1 पे गया, PS1 से अगेन सनलाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर पे पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन का वापस पहुंचना ऊपर की तरफ, इट इज नोन एज अपहिल मूवमेंट। ये अगेन एक तरीके का अपहिल मूवमेंट है, अपहिल मूवमेंट है। और इसके बाद अगेन इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है और ये NADP मॉलिक्यूल पर पहुंचता है, जो फाइनली NADPH2 मॉलिक्यूल या फिर NADPH H+ आयन बना देते हैं, NADPH H+ आयन बना दे देते हैं। एंड दिस इज अगेन अ डाउनहिल मूवमेंट। अब एक बात देखिए, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट अपहिल, दूसरा डाउनहिल, तीसरा अपहिल, चौथा डाउनहिल। हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो लीनियर ना होके जिगजैग है। जिगजैग मूवमेंट का मतलब है पहले अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउनहिल। और इस तरीके के मूवमेंट की वजह से हमने इसका नाम जेड स्कीम रख दिया है। याद रखना ये पूरी तरीके से गलत है। फिर से बोल दे रहा हूं, फिर सुनिए, क्योंकि आप लोग गलतियां बहुत करते हैं, आप बहुत फ्लो में बात को समझते नहीं। मैं फिर से बोल दूं गलत बात। पहला मूवमेंट अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउनहिल। पहला मूवमेंट फिर से अपहिल, दूसरा मूवमेंट डाउनहिल, अपहिल, डाउनहिल। लोग कहेंगे जिगजैग मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और जिस स्कीम में जिगजैग मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उस स्कीम का नाम जेड स्कीम। नो, अगेन इट इज नो, जेड स्कीम इसका नाम इसके जिगजैग मूवमेंट की वजह से नहीं है। तो फिर किसकी वजह से? होता यह है कि ये सब है इलेक्ट्रॉन कैरियर। याद रखिए, फोटो सिस्टम 2 इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्राइमरी एक्सेप्टर इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ETS इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, PS1 इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्राइमरी एक्सेप्टर इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, NADP, NADPH, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो बोलते क्या है कि जब हम इन इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस, और एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक तरफ लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इस इलेक्ट्रॉन कैरियर के सीक्वेंस में हम लोग PS2 प्राइमरी एक्सेप्टर इस तरीके से चलते हैं, और दूसरी तरफ लिखते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर का रेडॉक्स पोटेंशियल लिखते हैं। तो याद रखना रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार ये लो रेडॉक्स पोटेंशियल से, ये रहा रो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, हाई से लो रेडॉक्स पोटेंशियल, लो से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, हाई से लो रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में जब कभी हम लोग यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का लुक अलाइक जेड लाइक होता है, और इस ग्राफ का जो लुक अलाइक जेड लाइक होता है उसी स्कीम का नाम है जेड स्कीम। जेड स्कीम इज नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेडॉक्स पोटेंशियल। फिर से, What is that scheme? It is a graphical representation of the sequence of electron carrier. फिर से, graphical representation of sequence of electron carrier along with respect to the redox potential is known as Z scheme. इसका मतलब इस Z scheme में sequence बहुत important है। और मेरे साथ आप एक बार sequence पढ़िए और बताने की कोशिश करिए what is sequence. मैं ये आपके करने के लिए बोल रहा हूँ। Yes, पहले तो PS2, PS2 से primary acceptor, primary acceptor से ETS, ETS से PS1, PS1 से प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से NADP और NADP से NADPH। इस तरीके से आप एक बार इसे फिर से मेरे साथ लिखिए, फ्रेश तरीके से लिखिए। देखिए ये रहा PS2, मैं दोबारा लिख रहा हूं तो कोई वजह होगी, आप ध्यान से सुनिएगा। PS2 से इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गया ETS, ETS से इलेक्ट्रॉन गया PS1, PS1 से इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गया NADP+, और जो आगे बनाएगा NADPH H+। ये सिंपल सीधी सादी Z स्कीम है जो कि शुरू हो रही है PS2 से, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर इसके बाद ETS, फिर PS1, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर NADP एंड NADPH। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर पड़ी थी सनलाइट,
और इस सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप आउट हुआ था यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन जंप आउट होते 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 फाइनली ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया NADPH पर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गया वो वापस नहीं लौटा। तो इस तरीके से तो PS2 से इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, और अगर PS2 से सारा इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो यहां होगा इलेक्ट्रो डी इलेक्ट्रोनेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन, एंड जस्ट बिकॉज ऑक्सीडेशन हुआ है और लाइट की प्रेजेंस में हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन। और इस तरीके से PS2 बर्बाद हो जाएगा। अब फोटो ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए एक काम होता है, और इस काम को NCERT ने नई हेडिंग से पढ़ाया है, इट इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये हेडिंग है जो मैं Z स्कीम के साथ जोड़ के दिखा रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, याद रखना पानी के पास क्या है, पानी के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता हूं, अणु परमाणु नहीं जानता हूं, तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहां पर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर मैं वाटर को तोड़ दूं और तोड़ देने के बाद बोलूं कि इससे ऑक्सीजन निकल गई, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, नो डाउट मैंने बैलेंस नहीं किया, मैंने केवल बोला कि वाटर टूट गया, लिसिस हो गई, फोटोलिसिस, पानी की लिसिस हो गई, तो वाटर टूटने पर ऑक्सीजन निकल गई। अगर ऑक्सीजन निकल गई बचा, सर बोले हाइड्रोजन बचा। सो हाइड्रोजन इज सम टोटल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला और प्रोटॉन बच गया। फिर से सुनो, अगर मैं इसे बैलेंस तरीके से लिखता तो कुछ इस तरीके से लिखता, 2H2O, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव फोर हाइड्रोजन प्लस O2। O2 हवा में उड़ गई, बचे हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन विल लिबरेट फोर इलेक्ट्रॉन एंड फोर प्रोटॉन। तो चार इलेक्ट्रॉन और चार प्रोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को जाएगा, जब दोबारा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, तिबारा जाएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का लॉस फोटो सिस्टम से ना होकर वाटर से होगा, और यह प्रूव करेगा कि वाटर से ही ऑक्सीजन निकले। याद रखना फोटोलिसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्लोराइड आयन, दैट इज नोन एज Cl- आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैग्नीज नाम का जो आयन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। तो आपके सामने इट इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो आपको समझनी चाहिए। तो कोई पूछे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां पर होती है, PS2 पे कि PS1 पे, बिंदास होके बताइए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर PS2 पे होती है, PS1 पे नहीं होती। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। फॉस्फोराइलेशन पढ़ने के पहले वी हैव टू नो अबाउट द फॉस्फोराइलेशन, इस शब्द को समझना चाहिए फॉस्फोराइलेशन। अगर ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया जाए, एडनोसिन डाई फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जोड़ दिया जाए तो ATP का निर्माण हो जाता है। ATP इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत आसान है, ADP में दो फॉस्फेट थे, उसमें एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, दो और एक हो गया तीन, तीन फॉस्फेट मिलकर के यहां पर ATP बनाएंगे, दैट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ करके ATP बनाना, इट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और अगर ये फॉस्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होने लगे, अगर ये फॉस्फोराइलेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होने लगे, देन इट इज नोन एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसी को हम लोग फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ऑल दो डिटेल में फोटो फॉस्फोराइलेशन में पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले फोटो फॉस्फोराइलेशन आप दो प्रकार का समझें।
एक फोटोफास्फोराइलेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। और दूसरे तरीके का फोटोफास्फोराइलेशन है जिसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो दो प्रकार के फोटोफास्फोराइलेशन, वन इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, दूसरा साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। कुछ क्वेश्चन बने उसके पहले, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में फुल जेड स्कीम चाहिए, और मैं आपको जेड स्कीम पढ़ा चुका हूं इसलिए दोबारा जेड स्कीम को पढ़ाने जाऊंगा। और साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में केवल PS1 की जरूरत है। तो अगर दिमाग है तुम्हारे पास तो तुम देखोगे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में PS2 नहीं है, और PS2 नहीं है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं है, फोटोलिसर वाटर नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। और चूंकि यहां जेड स्कीम है तो जेड स्कीम में PS2 है, और PS2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैंने पढ़ाया है, तो इस तरीके से फोटोफास्फोराइलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो दो प्रकार के फोटोफास्फोराइलेशन है, वन इज नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। तो चलिए सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन को पढ़ते हैं, जो हमारा मेन टाइप ऑफ फास्फोराइलेशन है, इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। चलिए, सो हमारे पास पहला फोटोफास्फोराइलेशन है, इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में आसानी से पढ़ा है, इसलिए बहुत आसान दिखाई पड़ेगा। कैसे, हमें याद है कि जेड स्कीम PS2 से चालू हुई थी, अगर आप भूले नहीं हैं तो जो जो आप जेड स्कीम में जानते हो बताइए। यहां से इलेक्ट्रॉन गया था प्राइमरी एक्सेप्टर, गया था, दैट वाज नोन एज अपहिल मूवमेंट। यहां पड़ी थी सनलाइट, भूलिएगा मत, जो जो आप पढ़ चुके हैं, यहां पड़ी थी सनलाइट। इस सनलाइट से इलेक्ट्रॉन जो गया था, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टूटा था, H2O, H2O टूट के निकल गई थी ऑक्सीजन, बचे थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से निकला था इलेक्ट्रॉन, यहां बचा था प्रोटॉन। इसे मैं लिख दे रहा हूं फोटोलिसिस, इतना तो आप कभी भूलोगे नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब ETS से गुजर रहा था, याद रखना ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाउन हिल था, इसका मतलब जो एनर्जी इसने गेन की थी वो एनर्जी ये रिलीज कर रहा था, और उस रिलीज होती हुई एनर्जी को ADP, यानी वो जो एनर्जी निकल रही थी, जब आप डाउन हिल आएंगे, आप हिल जाएंगे तो एनर्जी लेके जाएंगे, एक्साइट होके जाएंगे, और डाउन हिल आएंगे तो आप एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे तो वो एनर्जी ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ करके ATP बनाएगा। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा समझते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन अपहिल गया, एनर्जी लेके गया, जब डाउन हिल आया तो उसने ETS में अपनी एनर्जी छोड़ी, उस एनर्जी में कौन सी हाइपोथेसिस लगी, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और उस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से ATP में कन्वर्ट कर दिया गया, और फाइनली इलेक्ट्रॉन PS1 पर पहुंचा, और जब PS1 पे पहुंचा तो ये फिर प्राइमरी एक्सेप्टर पे पहुंचा, और फाइनली ये NADP+ पे पहुंचा, बाद में बना NADPH+ आयन। एंड दिस इज टोटल नॉन साइक्लिक। व्हाई इट इज नॉन साइक्लिक, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन चला वहां वापस नहीं लौटा, और नहीं लौटा इसलिए इसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। जल्दी जल्दी देखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के प्रोडक्ट, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ATP, तीसरा NADPH। तो कोई पूछे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के प्रोडक्ट में है ऑक्सीजन, ATP और साथ में NADPH। ये तीन प्रोडक्ट हैं जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन से हमें मिल जाते हैं। ये आप कभी ना भूलें, पूरी की पूरी जेड स्कीम इसमें इन्वॉल्व है, और इस तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कन्वर्ट कंप्लीट होता है। इनके बाद हमारे पास आता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अच्छा, अब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहां होता है? अगर आपको क्लोरोप्लास्ट याद है और आपको ग्रेना याद है, ये रहे ग्रेना, और ग्रेना को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लैमेली याद है, तो अगर आपको स्ट्रोमा लैमेली याद है तो आपको स्ट्रोमा लैमेली की पोजीशन में दो चीजें और याद रखनी पड़ेगी। स्ट्रोमा लैमेली लैग PS2,
इसमें PS2 नहीं होता, और दूसरा इट लैक NADPH रिडक्टेज, ये NADPH रिडक्टेज को भी लैक करता है। अगर NADPH रिडक्टेज भी नहीं है और PS2 भी नहीं है तो केवल PS1 है, तो चलिए केवल PS1 बनाइए। PS1 है तो बेटा सनलाइट तो पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तो अपील जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो अपील जाएगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर उसे बेटा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरी एक्सेप्टर पर पहुंचा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली NADPH की तरफ जाता था, NADP की तरफ जाता था और NADPH बनाता था। लेकिन स्ट्रोमा लैमेली में यह भी नहीं है, तो जब यह भी नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन जो PS1 से गया प्राइमरी एक्सेप्टर पर वो क्या करे, वो वापस लौटेगा ETS के थ्रू। और अगर कोई ETS के थ्रू वापस लौट रहा तो ETS उसे PS1 में ही पहुंचाती है, तो आप PS1 से चले और PS1 पे लौटे। लेकिन ये मूवमेंट था अपहिल और ETS में हमेशा मूवमेंट होता है डाउनहिल, और जहां डाउनहिल मूवमेंट होता है वहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लग गई, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे और इन्होंने ATP बना दिया, और इस तरीके से यहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लग गई। तो आपने देखा केवल PS1 जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन वापस ETS से होते हुए PS1 की तरफ लौटेगा, तो PS1 से चले और PS1 पे लौटे, और इस तरीके से आपके पास जो बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ इट इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का केवल एक ही प्रोडक्ट है ATP। इस प्रोडक्ट पे ना तो NADPH बनते हैं ना तो बेटा बनता है ऑक्सीजन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा, वो स्ट्रोमा लैमेली पर होगा जहां पर PS2 नहीं है, जो कि NADPH रिडक्टेज को भी लैग करते हैं। ये जितने भी टॉपिक है मैं NCERT को बेसिक दिमाग में लेकर के पढ़ा रहा हूं, वैसे इनमें वेरिएशन तो बहुत सारी बातों के भी हैं, ऐसी बातों के भी हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस बात को इतना ही समझ लीजिए कि हम लोगों ने किसी तरीके से अपनी लाइट रिएक्शन को पढ़ा। तो आइए इतनी दूर पढ़ने के बाद हम वापस से समराइज करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस की मुख्यतः दो रिएक्शन होती हैं, अगर आप नहीं भूले तो पहली रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन, भूलिएगा मत, और दूसरी रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। और अगर आप इतना नहीं भूले तो आप मुझे सही ढंग से समझ रहे हैं। लाइट रिएक्शन होती है बेटा ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, मैंने पहले ही पढ़ाया था। ग्रेना में होने वाली जो लाइट रिएक्शन है उन लाइट रिएक्शन में दो प्रकार की रिएक्शन हो गई, एक हो गई नॉन साइक्लिक और दूसरा हो गया साइक्लिक। नॉन साइक्लिक की साइक्लिक दोनों है फोटोफॉस्फोराइलेशन। So, हम लोग कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट हैं, एक है ATP दूसरे हैं NADPH। तीसरा प्रोडक्ट ऑक्सीजन था जो कि हवा में उड़ गया। तो अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आप अगर NCERT देखोगे और वो पूछते हैं वेयर ATP एंड NADPH यूज्ड, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड, ATP और NADPH को कहां यूज किया जाएगा। इसका सीधा जवाब है ATP और NADPH को यूज किया जाएगा स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जाएगा C6H12O6। यानी हम इन ATP और NADPH को यूज करके ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना इसका मतलब ATP NADPH स्ट्रोमा में चली जाएंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए देयर आर टू साइकिल, वन इज नोन एज C3 साइकिल, नंबर टू इज नोन एज C4 साइकिल। तो अगर मैं बोलूं कि डार्क रिएक्शन में हमें
डार्क रिएक्शन में दो मेन साइकिल पढ़नी है, एक का नाम है C3 साइकिल, दूसरे का नाम C4 साइकिल। तो डार्क रिएक्शन अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट दे जाती है। एक और बात कि जो ये C3 और C4 साइकिल हैं, ये एक्चुअली कार्बन फिक्सेशन साइकिल हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं या फिर बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। और याद रखना, डार्क रिएक्शन ना होती अगर ATP और NADPH ना होता, NADPH और ATP ना होती अगर सनलाइट ना होती। तो याद रखना, सनलाइट का डायरेक्ट रोल लाइट रिएक्शन में है, पर सनलाइट का इनडायरेक्ट रोल डार्क रिएक्शन में भी है। इसका मतलब डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन में भी लाइट की जरूरत है, क्योंकि लाइट ना होती तो ATP NADPH ना होता, ATP NADPH ना होता तो डार्क रिएक्शन ना होती। तो कुल मिलाकर डार्क रिएक्शन में हमें दो मेन साइकिल पढ़नी है, वन इज नोन एज C3 साइकिल, अनदर वन इज नोन एज C4 साइकिल। तो चलिए हम लोग एक एक करके C3 साइकिल और C4 साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले C3 साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल C3 साइकिल, इससे रिलेटेड जितना पॉइंट है याद रखिएगा, इसको डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। C3 साइकिल जिन प्लांट में होती है, दे आर नोन एज C3 प्लांट्स, एंड C3 साइकिल इज अ यूनिवर्सल साइकिल। दुनिया का हर प्लांट C3 साइकिल जरूर रखता है। और बोलते हैं C3 साइकिल के तीन फेजेस हैं, There are three phases. पहला फेज है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा फेज है रिडक्शन, और तीसरा फेज है रीजनरेशन। तो चलिए इन तीनों फेज को एक साइकिल के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो केल्विन साइकिल डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन, C3 प्लांट बोलते हैं जिनमें C3 साइकिल होती, केवल C3 साइकिल होती है। वैसे तो ये यूनिवर्सल साइकिल है, ये C3 C4 सब जगह के प्लांट में होती है, लेकिन याद रखना इसमें तीन मुख्य फेजेस हैं, जिनमें से पहला फेज है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। याद रहेगा? ओके, सो देयर इज अ मॉलिक्यूल नोन एज RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। देखिए, मैं इस RUBP को आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा। पांच कार्बन का एक प्रोडक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, जहां पर बेटा सुगर्स हैं, LDR सुगर्स हैं। याद रखना इनमें सुगर्स हैं और साथ में एल्डिहाइड या कीटो, राइबुलोज है तो बेटा ये कीटोन है और सुगर्स है, बाकी आप बैलेंस ही बना ले। पांच कार्बन की एक सुगर है, इसका नाम है राइबुलोज, जिसकी पांचवी पोजीशन पे फास्फेट है। ये रे डायग्राम है, प्लीज इसे बैलेंस मत मानिएगा, और पहली पोजीशन पर भी फास्फेट है। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसलिए हम इसे बोलते हैं RUBP। पांच कार्बन के इस प्रोडक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से आकर के जुड़ी, तो पांच कार्बन का प्रोडक्ट है एक्चुअली। पांच कार्बन में एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना इट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP में जुड़ना इट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी एक्सेप्टर। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई RUBP इज नोन एज प्राइमरी एक्सेप्टर। और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पांच कार्बन है, पांच कार्बन में एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना इट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, यानी केल्विन साइकिल की पहली फेज ओवर। कार्बोक्सिलेशन के बाद पांच और एक, टोटल 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इट इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसे भी प्लीज देख लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आपने ग्लिसरॉल पढ़ा होगा, CH2OH, CHOH और CH2OH।
जिसमें से अगर मैं ये कर दूं तो इट इज नोन एज ग्लिसरिक एसिड, जिसकी तीसरी पोजीशन पे फास्फेट जोड़ दूं, कैसे जोड़ूंगा वो अलग बात है, मैं केवल रे डायग्राम दिखा रहा हूं, तो उसका नाम हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब क्या है बेटा, जिसकी तीसरी पोजीशन पे फास्फेट था उसकी पहली पोजीशन में भी फास्फेट आना चाहिए। अब आप पूछोगे ये फास्फेट कहां से आएगा, तो मैं पूछूंगा फास्फेट आएगा एटीपी से। एटीपी एक फास्फेट देकर के एडीपी पैदा करेगी। आप बोलोगे एटीपी कहां से आएगा, तो मैं बोलूंगा लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी बना के रखी थी। ओके, तो इस तरीके से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आप देखिए एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, अगर एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है इसका मतलब हो रहा है रिडक्शन। तो याद रखना ये वाला प्रोसेस हो गया रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे NADPH के पास से। NADPH हाइड्रोजन इनको दे देगा और ये रिड्यूस होकर जाएंगे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एसिड बिकम एल्डिहाइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड विल फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनते वक्त एक फॉस्फेट बाहर निकलेगा और वो फॉस्फेट H3PO4 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। याद रखना ये जो पूरा हुआ है ये है रिडक्शन, पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन। और याद रखना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन की सुगर है, तो इसे बोलेंगे ट्रायोज, और ट्रायोज में फॉस्फेट है, फॉस्फो का मतलब फॉस्फोट, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट। अब ट्रायोज के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के हेक्सोज बना देंगे, हेक्सोज का मतलब है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। पर याद रखना आपने रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड 1 लिया है, जबकि इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करता था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इक्वेशन में था 6CO2 + 6 वाटर, अगर आपको याद हो। तो ये साइकिल 6 चक्कर भरेगी, 6 चक्कर। तो एक मॉलिक्यूल से, याद रखो अगर 1, 5 और 1, 6, 6, अगर मैं केवल एक एक मॉलिक्यूल लूं तो इसमें 5 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, 5 और 1, 6, 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने थे ये, तो 2 मॉलिक्यूल ये बने थे, 2 मॉलिक्यूल ये बने थे, 2 मॉलिक्यूल ये बने थे। लेकिन अगर मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं और 6 RUBP लूं, तो 1 से बने थे 2, तो 6 से बनेंगे 12, 12, 12 और ये 12, 12 में 2 चले गए ग्लूकोज को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रायोज में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन से 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल बचेंगे, 2 मॉलिक्यूल चले गए, तो बचे 10 मॉलिक्यूल ट्रायोज फॉस्फेट के, और ये 10 मॉलिक्यूल पहले बनाएंगे राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल, और राइबुलोज 5-फॉस्फेट से बनेगा राइबुलोज 1,6-बाइफॉस्फेट, इसके मॉलिक्यूल बनेंगे 6, और ये बनाते वक्त 6 ATP और यूज होगी, रादर ATP यूज होंगी और ADP बनेगा। कई बार ये बच्चे समझ नहीं पाते, मुझे मालूम है यहां तक तो आपको लगता ठीक है सर समझ में आ गया। अब 12 में से 2 गए तो बच्चे कितने, 10 मॉलिक्यूल ट्रायोज के, 3 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल, तो 3 × 10 बराबर 30 कार्बन है आप, और 30 कार्बन से 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो कार्बन 30 रखने हैं, तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, और 6 मॉलिक्यूल के राइबुलोज 5-फॉस्फेट, यानी 5वीं पोजीशन पे फॉस्फेट है, पहली पोजीशन पे फॉस्फेट नहीं है, पहली और 5वीं दोनों पोजीशन में फास्फेट लाने के लिए एटीपी यूज होंगे, और ये साइकिल होगी 6 बार, तो 6 बार होगी तो यहां होंगे 6 ATP, देखिएगा ये रहे 6 ATP, सॉरी
यहां पर 6 बार साइकिल होगी तो 12 मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल, यस यहां पर 12 एटीपी 12 एनएडीपीएच, और यहां पर जो रिएक्शन हो रही वो 6 मॉलिक्यूल के साथ आ रही, इसलिए 6 एटीपी 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये करके हमने रीजनरेट किया है आरयूबीपी को, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो आपने देखा C3 साइकिल में तीन फेज थे, कार्बोक्सीलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, रिडक्शन, एसिड से एल्डिहाइड बनना, और इसके बाद रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, और टोटल कितने चक्कर लगाए, 6 चक्कर, और 6 चक्कर लगाने के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन गया। तो इस रिएक्शन को लिखते वक्त वो लोग यूं लिखते हैं कि केल्विन साइकिल के, याद रखिएगा केल्विन साइकिल के 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके 1 ग्लूकोज बनाने में 6 टर्न की जरूरत होती है, 6 टर्न की जरूरत होती है। इन 6 टर्न में 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 12 हो रहे एटीपी, 12 मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल से 12 एटीपी, और 6 ये टोटल 12 और 6 18 एटीपी की जरूरत पड़ती है, साथ में 12 एनएडीपीएच की जरूरत पड़ती है, और इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए 18/6 दैट इज 3 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और 12/6 दैट इज 2 एनएडीपीएच की जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके से C3 साइकिल में लिखी हुई बातें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो मैंने C3 साइकिल आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की कि C3 साइकिल को कैसे समझा जा सकता है। तो आपके सामने मैंने बताया कि 6 चक्कर मारे हमने, अच्छा C3 साइकिल पढ़ लेने के बाद C3 साइकिल की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको समझते हैं। एक बार मेरे साथ C3 साइकिल का पहला स्टेप फिर से लिखिए, अगर आप लिख गए तो काम बन जाएगा। पहला स्टेप था RUBP, राइबुलोज 1.5 बेस फॉस्फेट, कितने कार्बन थे, 5 कार्बन, 5 कार्बन के इस प्रोडक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती थी और बनता था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। प्लीज भूलिएगा मत, बार बार आपको लग रहा होगा कि सर क्यों पढ़ा रहे, पर आपको याद रखिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है, यहां 5 कार्बन, यहां 1 कार्बन, 5 और 1 6 कार्बन, 6 कार्बन के से 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना तो कितना मॉलिक्यूल कितना बनेगा, 2। लेकिन अगर ये 6 बार चक्कर लगे, एक बार में 2 तो 6 बार में कितना, 12। तो अगर मैं 6 मॉलिक्यूल ये ले लूं, 6 मॉलिक्यूल ये ले लूं, तो 1 से 2 बनता तो ये 12 मॉलिक्यूल बनेगा। ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो समझ में नहीं आती। दूसरा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, इट इज नोन एज कार्बोक्सीलेशन, और बच्चों कार्बोक्सीलेशन करने के लिए यहां पर एक एंजाइम होता है एंड दैट इज नोन एज रूबिस्को। रूबिस्को ना होता तो पहला स्टेप ना होता, और पहला स्टेप ना होता तो कार्बोक्सीलेशन ना होता, कार्बोक्सीलेशन ना होता तो रिडक्शन ना होता, रिडक्शन ना होता तो बाकी प्रोसेस ना होते। बट ये मैं इसको ऐसे ही बोलता हूं, रूबिस्को एक दोगला एंजाइम है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, प्लीज मेरी लैंग्वेज को माफ करिएगा। यस, रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो दोगला है मेरे सेंस में, क्यों, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दिया तो C3 साइकिल हो जाएगी। देखिए, रूबिस्को ने यूबीपी में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी तो C3 साइकिल हो गई, याद रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मोर, CO2 का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कंपैरेटिवली कम हो, लेस, और टेम्परेचर ज्यादा हो, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मोर हो, तो रूबिस्को अपनी आदत बदल देता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने की बजाय ऑक्सीजन जोड़ देता है RUBP में, और RUBP में अगर उसने ऑक्सीजन जोड़ दी तो बेटा एक प्रोसेस
फोटो रेस्पायरेशन। कैसे होता है वो मैं पढ़ा लूंगा, वो मुझे मालूम है मैं पढ़ा लूंगा, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि C3 साइकिल जहां जहां है वहां फोटो रेस्पायरेशन के खतरे हैं। आप बोलोगे सर C3 साइकिल जहां जहां है वहां फोटो रेस्पायरेशन के खतरे क्यों हैं? मैं बोलूंगा C3 साइकिल जहां जहां है वहां रुबिस्को है, और रुबिस्को दोगला आदमी है। वैसे तो रुबिस्को RUBP में CO2 को जोड़ता है, कब? जब CO2 ज्यादा हो, लेकिन कहीं दुर्भाग्य से CO2 कम हो जाए और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो ये बदतमीजी करता है, ये CO2 को ना जोड़कर क्या जोड़ देता है? ऑक्सीजन। और इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो C3 साइकिल के बाद आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना चाहिए। तो चलिए C3 साइकिल के बाद मैं डायरेक्ट C4 में नहीं जाता हूं, फोटो रेस्पायरेशन पढ़ाता हूं। चलिए चलिए फोटो रेस्पायरेशन पढ़ ले। फोटो रेस्पायरेशन एंड द फोटो रेस्पायरेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ रुबिस्को। अगर इस दुनिया में रुबिस्को ना होता तो कभी फोटो रेस्पायरेशन ना होता, और फोटो रेस्पायरेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ C3 साइकिल। जहां जहां C3 साइकिल होगी वहां फोटो रेस्पायरेशन होगा, याद रहेगा। और फोटो रेस्पायरेशन में RUBP अगर आप भूले नहीं है, COH, C डबल बॉन्ड O, COH, COH, मैंने बैलेंस नहीं किया था और मैंने बताया था राइबुलोज की पांचवी पोजीशन पे फास्फेट, पहली पोजीशन पे फास्फेट, इनका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5 बेस फास्फेट। अब अगर ऑक्सीजन ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा और अगर CO2 कम, तो इस RUBP में, ये देखो RUBP आपके सामने है, इस RUBP में रुबिस्को भाई साहब ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, CO2 की बजाय ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन का जोड़ना इट इज नोन एज ऑक्सीजिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन, आप जो मर्जी है कह सकते हो। और ऑक्सीजन जहां जुड़ती है वहां पर तोड़फोड़ मचाती है, और तोड़फोड़ मचाती है इसलिए 1,3-कार्बन का प्रोडक्ट बनता है और 1,2-कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। चलिए तो RUBP में जब ऑक्सीजन से जुड़ा तो एक बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो C3 साइकिल का प्रोडक्ट है, तो ये तो C3 साइकिल में चला गया, लेकिन 1,2-कार्बन का प्रोडक्ट भी बनता है। देख लीजिए ग्लाइकॉल आपने पढ़ा होगा, CH2OH, अगर ग्लाइकॉल का एसिड बना दिया जाए इट इज नोन एज ग्लाइकॉलिक एसिड, और अगर उसमें फॉस्फेट जोड़ दिया जाए इट इज नोन एज फॉस्फोग्लाइकॉलिक एसिड। तो याद रखना दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है इट इज नोन एज फॉस्फोग्लाइकॉलिक एसिड। फॉस्फोग्लाइकॉलिक एसिड से आगे की मैं स्टेप बता रहा हूं, ग्लाइकॉलिक एसिड से ग्लाइसीन बनता है, ये बेटा अमीनो एसिड पढ़ा होगा, और ग्लाइसीन के दो मॉलिक्यूल सीरीन और CO2 बना करके CO2 को लॉस कर देते हैं। अगर आपको C3 साइकिल याद हो तो C3 साइकिल में तो एक्चुअली CO2 फिक्स होनी चाहिए, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में CO2 लिबरेट हो जाते, और CO2 लिबरेट के एक समय पर देयर इज नो एनर्जी गेन नहीं होता, और इस तरीके से केवल लॉस होता है, और ये लॉस रेस्पिरेशन की तरह होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी CO2 निकलती है, यहां पर भी CO2 निकल रही, क्योंकि ये रेस्पिरेशन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। और इसकी वजह ये रुबिस्को नाम का एंजाइम है, अगर रुबिस्को ना होता तो ये बदतमीजी कभी भी ना होती, और अगर ये कभी बदतमीजी नहीं होती तो हमारे पास C3 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। तो खैर इस फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए हमारे पास ईश्वर ने हमें एक नई साइकिल बताई, एंड दैट न्यू साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं C4 साइकिल, तो आप एक बात याद रख लेना, C4 साइकिल देयर इज नो फोटो रेस्पायरेशन,
C4 साइकिल इस दुनिया में आई ही है जो इस वजह से आई है कि फोटो रेस्पायरेशन से बचा जा सके। C3 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन था, लेकिन C4 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन नहीं है। इसका मतलब C4 साइकिल इज बेटर साइकिल, ये बेटर साइकिल है। ये मेज जैसे पौधों में होती है, सुगर गेन जैसे पौधों पे होती है, ये सारे पौधों में नहीं होते। और ये पौधे एक स्पेशल एनाटमी रहते हैं, और इस स्पेशल एनाटमी को बोलते हैं क्रेंज एनाटमी। खैर, मैं क्रेंज एनाटमी पढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। केवल इतना जानू कि क्रेंज एनाटमी में अंततः आपको दो सेल मिलेंगी। एक सेल होगी मीजोफिल सेल और दूसरी सेल होगी बंडल सीथ सेल। मीजोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, और एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते वक्त देर इज नो रूबिस्को, इसके पास रूबिस्को नहीं होगा, क्योंकि रूबिस्को होता तो फोटो रेस्पायरेशन हो जाता। तो अभी याद रखना, मीजोफिल सेल में रूबिस्को नहीं होता, और रूबिस्को अगर कहीं होता है तो वो होता है बंडल सीथ सेल में। अगर आप इतना सीख जाएंगे तो मैं आगे की कहानी समझा दे रहा हूं। चलिए, आगे की कहानी में समझा ही दूंगा ही। पहले देखिए, C4 साइकिल ऐसी साइकिल है जिसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, और उसकी बड़ी वजह है इनकी एनाटमी, नाम है क्रेंज एनाटमी। क्रेंज एनाटमी पूरी पढ़ने के लिए मेरा पूरा अलग से क्लास करिएगा कभी, तब पढ़ाऊंगा मैं, अभी टाइम नहीं है, मेरे को C4 साइकिल अभी कंप्लीट करनी है। और इतना याद रखिए कि क्रेंज एनाटमी में बंडल सीथ सेल, मीजोफिल सेल, और उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट, उन सेल का अरेंजमेंट क्रेंज लाइक होता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्रक्स सुनिए, मेन बात सुनिए, कि उनमें दो सेल हैं, एक मीजोफिल सेल, एक बंडल सीथ सेल। दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, लेकिन दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में एक काम रूबिस्को करेगा, दूसरा काम रूबिस्को नहीं करेगा। देखिए, कहां होगा कहां नहीं होगा। तो फिलहाल मैं आपके सामने पहली सेल बनाता हूं, और ये वो पहली सेल, अगर आपको दिख नहीं रही है तो आप देख किसी तरीके से इसे लिख लीजिए, इट इज नोन एज मीजोफिल सेल। तो पहले मीजोफिल सेल की कहानी सुनिए। एनवायरमेंट में CO2 पड़ी हुई है, ये रही वो CO2, नो डाउट CO2 लेस है और ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। इस कंडीशन में अगर रूबिस्को होता तो वो बदतमीजी कर देता, CO2 की बजाय ऑक्सीजन जोड़ देता। लेकिन देखिए, हमने यहां एक ईमानदार एंजाइम रखा है, और उस ईमानदार एंजाइम के लिए ईमानदार प्राइमरी रिसेप्टर रख रहा है, इसका नाम है PEP, नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, और ये इनका प्राइमरी एक्सेप्टर है। और इस प्राइमरी एक्सेप्टर में तीन कार्बन है। फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड एक कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेगा, वहां पर तीन कार्बन थे, तीन कार्बन में एक कार्बन जुड़ा तो चार कार्बन का एक एसिड बनेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कई बार मैं इसे OAA के नाम से लिखता हूं। याद रखना, इस काम को करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के लिए, इस प्रोसेस का नाम कार्बोक्सिलेशन रखा जाएगा, लेकिन यह कार्बोक्सिलेशन PEP केज नाम के एंजाइम की मदद से होगा। अब सोचो, इस जगह रूबिस्को होता तो क्या करता, रूबिस्को बदतमीज देखता कि CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन जोड़ता। लेकिन PEP केस इतना ईमानदार आदमी है, इतना ईमानदार एंजाइम है कि वो ऑक्सीजन नहीं केवल CO2 जोड़ेगा ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। याद रखिएगा, मैलिक एसिड भी चार कार्बन का एसिड है, और ये चार कार्बन का एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाएगा दूसरी सेल में, और इस दूसरी सेल का नाम है, यस, इट इज नोन एज बंडल सेल। जब ये ट्रांसपोर्ट होगा, मैं लिखते दे रहा हूं, आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा, वहां पर कंपाउंड के नाम नहीं लिखा होगा, ट्रांसपोर्ट लिखा होगा।
ट्रांसपोर्ट होकर के ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जो मैलिक एसिड होगा ये आ जाएगा बंडल सीथ सेल में। बंडल सीथ सेल में ये मैलिक एसिड 3 कार्बन एसिड में चेंज होगा, यहां लिख देता हूं पायरमिक एसिड। अब आप ध्यान से देखिए 4 कार्बन का एसिड 3 कार्बन के एसिड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर CO2 निकली होगी। यस बिल्कुल CO2 निकली, इसका मतलब इस स्टेप का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। और जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो ये डीकार्बोक्सिलेशन किसके मुंह पे पड़ा, रूबिस्को के, क्योंकि रूबिस्को नाम का एंजाइम बंडल सीथ में है। और अगर बंडल सीथ में है भाइयों बहनों तो भले ही इन्वायरमेंट में CO2 कम है लेकिन जहां रूबिस्को है वहां पर हमने CO2 की भरमार लगा दी और भरमार लगा दी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो तो रूबिस्को बदतमीजी नहीं करता, तब वो RUBP में CO2 को जोड़कर PGA बनाता है और C3 साइकिल कर देता है और C3 साइकिल करके ग्लूकोज बना देता है। इसका मतलब C3 साइकिल इज अ यूनिवर्सल साइकिल, C3 साइकिल तो हो करके रहेगी, इसका मतलब C3 साइकिल तो हर जगह होगी। देखिए चालाकी देखिए, इन्वायरमेंट में CO2 कम थी लेकिन हमने रूबिस्को को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि जहां रूबिस्को था वहां पर हमने CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया बाय द प्रोसेस नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आया? और इस तरह C3 साइकिल होने लगी। C3 साइकिल के लिए चाहिए 6 टर्न और 6 टर्न चाहिए तो 6 CO2 6 CO2, तो ये 6 मॉलिक्यूल। अब ये आया पायरविक एसिड, पायरविक एसिड का फिर से होगा ट्रांसपोर्ट। पायरविक एसिड 3 कार्बन का एसिड है जिसका ट्रांसपोर्ट हो गया एंड नाउ पायरविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड बनेगा। पायरविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड इज नोन एज रीजनरेशन। अब आप C4 साइकिल में देखेंगे पहले प्रोडक्ट में 4 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज C4 साइकिल। और देखिए पहला स्टेप ट्रांसपोर्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन। C4 साइकिल के स्टेप देखिए, कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन। बस इस रीजनरेशन के दौरान 12 ATP और लग जाएंगी, 12 ATP का एक्स्ट्रा लॉस होगा। पर याद रखिए अगर आपको C3 एसिड साइकिल याद है तो यहां पर 12 ATP हम पहले यूज कर चुके हैं, यहां पर 6 ATP यूज कर चुके हैं और यहां 12 NADPH यूज कर चुके हैं। अबला कुछ साइकिल में हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और ये 12 ATP और आ गई, तो अब इक्वेशन फिर से बनेगी। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं C4 साइकिल की इक्वेशन, वो ये है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 1 ग्लूकोज बनाने के लिए यहां भी 6 टर्न चाहिए, लेकिन 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल की और 12 ATP C4 में रीजनरेशन की चाहिए, इसलिए 30 ATP चाहिए और NADPH 12 ही चाहिए। NADPH में कोई चेंज नहीं है, इसलिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 30/6=5 ATP और 12/6 दैट इज 2 NADPH। और चूंकि C3 अकेले होती तो याद रख लीजिए C3 एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH चाहती थी, वहीं C4 5 ATP 2 NADPH चाहती है। और ये ATP NADPH कहां से आएंगे? सनलाइट से। इसका मतलब जितनी सनलाइट से C3 3 ATP 2 NADPH बनाती है उतनी ही सनलाइट से C4 प्लांट 5 ATP 2 NADPH बनाते हैं, इसलिए C4 प्लांट आर द बेटर फोटोसिंथेटिक प्लांट। सो हम लोगों ने डायरेक्ट रिएक्शन में C3 पढ़ लिया, C4 पढ़ लिया, इवन फोटो रेस्पायरेशन पढ़ लिया। फोटो रेस्पायरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। बचते हैं फैक्टर्स, वो आप अपने तरफ से देखेगा और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।